दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। जागरण समन्वय समिति जिला मंडी ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड और लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जघन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद जिला मंडी के सदस्य भी मौजूद रहे। श्रद्धा हत्याकांड हुआ, अभी एक लड़की के लव जिहाद में 35 टुकड़े कर दिए गए। बहुत शर्मनाक बात है। आज यहाँ जिला मंडी में बहुत से संगठन इकट्ठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद जिला मंडी का अध्यक्ष होने के नाते ये गर्व का विषय है कि सारे संगठन एक इंडिपेंडेंट बैनर के तरह इकट्ठे होकर ये जो लव जिहाद नाम की चीज़ हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। जो 35 टुकड़े कर दिए गए वो एक सिर्फ श्रद्धा के नहीं थे, वो हमारे मान सम्मान के थे। वो उन बच्चियों के लिए भी एक सबक है जिन्हें लगता है कि मेरा वाला आफ्ताब ऐसा नहीं। एक लोगों को सोचना पड़ेगा, हर परिवार को, हर व्यक्ति को, कि कब तक हम नारे लगाते रहेंगे कि हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। कोई जिंदा है या मर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने धर्म के लिए, समाज के लिए और अब तो जान का भी प्रश्न आ गया है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सभी चैनलों के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के दोस्तों के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि अब हम लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, अब हम सब लोगों को बाहर ना निकलना पड़े इस तरह के नारे लगाने के लिए। हम सब जागरूक हों, कोई हमारी बहन बेटी श्रद्धा ना बने, कोई आफ्ताब किसी के घर के चिराग के 35 टुकड़े करने की हिम्मत ना कर सके। अब ये हिम्मत करने वालों के, आज मैं नारा सुन रहा था कि फांसी दो फांसी दो, राम राम चिल्लाएंगे जब तेरे टुकड़े किए जाएंगे। हिंदू बहुत सही सुनता वाला धर्म है, हम सबको साथ लेने में विश्वास करते हैं, लेकिन अब इसकी प्रतीक्षा लेना, सब्र का इम्तिहान बहुत हो चुका है। हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन के साथ साथ सारे लोग भी जागरूक होते हैं, इस तरह के विधर्मी लोगों के खिलाफ काम करें ताकि हम लोग कानून अपने हाथ में लेने के लिए विवश न हो।